गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल इज वर्सेटाइल सुनी और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज है 9th of January 2022 और आज हम लोग घूमने चल पड़े हैं। कहाँ जाना है पता नहीं, आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा। और यहीं पे हम लोग रुके हैं कुछ खाने पीने के लिए, उसके बाद हम लोग मंजिल की तरफ चलते हैं। उसके बाद हम लोग मंजिल की तरफ चलते हैं। और तुम्हारे पीछे है बंदर। हेलो हेलो, बाय, मिलते हैं मंजिल पे। रास्ते में है एक मिलिट्री कैंप, मैंने सोचा आप लोगों को दिखाते चलूं, क्योंकि ये मिलिट्री कैंप बहुत ही ज़्यादा सुंदर, क्लीन एंड क्लियर है। आप देख ही सकते हो कितना सुंदर है, देखो आप लोग, इतना सुंदर है मैं क्या ही बताऊं। सो यहाँ पे दो रास्ते पड़ते हैं, एक राइट की तरफ एक लेफ्ट की तरफ। राइट की तरफ कार्शियंग जाता है और लेफ्ट की तरफ दुधिया, तो हम लोग दुधिया के लिए निकल पड़े हैं। सो देखो आगे क्या होता है। सो गाइज हम लोग जहाँ जाने वाले थे दुधिया की तरफ, वहाँ पर पुलिस वालों ने हम लोगों को नहीं जाने दिया बिकॉज ऑफ द कोविड। सारे के सारे पिकनिक स्पॉट बंद पड़े थे, तो सभी को रिटर्न जाने को कहा। आप देख सकते हैं सारे बाइक एक एक करके रिटर्न आ रहे हैं, हम लोग भी रिटर्न आ चुके हैं। और सो हमें घर नहीं जाना था इतनी जल्दी, और मुझे ब्लॉग भी शूट करना था, इसीलिए हम लोग चले कार्शियंग की तरफ। सो आप लोग देखो वहाँ का व्यू और मौसम, फिर मुझे कमेंट में बताना आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। आगे आगे देखो। फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपनी मंजिल पे, और यहाँ से व्यू देखो कितना सुंदर लगता है। ये कार्शियंग का व्यू पॉइंट है, यहाँ से नज़ारा बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, कुछ लोग फ़ोटो शूट कर रहे थे, कुछ लोग वीडियो शूट कर रहे थे, कुछ लोग नीचे भी गए थे। मुझे बेसिकली बहुत डर लगता है ऊँचाइयों से, इसलिए मैं नीचे नहीं गई, मुझे डर लगता है। और यहाँ पर ठंड भी बहुत थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। यहाँ पे हवा भी बहुत तेज़ थी, देखो मेरे बाल भी उड़ रहे हैं, इतनी तेज़ हवा थी। अब हम जा रहे हैं उस तरफ, यहाँ पे पता नहीं क्यों एक बाउंड्री दे रखी थी ताकि कोई ना जाए, बट फिर भी लोग जा रहे थे क्योंकि इतना सुंदर व्यू भी था वहाँ पे, इसलिए सब लोग जा भी रहे थे वहाँ पे। देखो आप लोग कितना सुंदर है ये जगह।
तो पता नहीं क्यों यहाँ पे आके मुझे टाइटैनिक वाला पोज याद आया, मैंने कर भी दी। आप लोग देख ही सकते हो इतना सुंदर नज़ारा। आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है ये जगह। हाँ कमेंट में बताइएगा कौन कौन इस जगह आ चुका है या आ चुकी है। ये सब लोग अगर एक एक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे तो। अब हम खाएंगे मोमोज, मुझे मोमोज बहुत पसंद है और वो भी पहाड़ में जाके गर्मा गर्म मोमोज खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। और यहाँ पे देखो एक आंटी बैठी है मोमोज की दुकान लेकर, यहाँ पर से ही सभी लोग खा रहे थे, बहुत ही टेस्टी मोमोज था। और इतनी ठंडी में हम लोग खड़े भी नहीं हो रहे थे, लिटरली हम लोग काँप रहे थे और ये आंटी मोमोज की दुकान लेकर बैठी थी, मतलब हैट्स ऑफ। हम लोग फाइनली यहाँ से निकलने वाले हैं अभी। बहुत देर तक यहाँ पर इंजॉय किए, व्यू देखा, मोमोज खाया और आप लोग देख ही चुके हो। और आप लोगों को ये व्यू कैसा लगा? सो यहाँ पे क्या हुआ, मैं बात करते करते कैमरा लेके जब घूमी तो देख रही थी कितने सारे लोग इधर आ रहे थे, तो मैं शर्मा के बात करना ही बंद कर दी। रास्ते में हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, इसलिए हम लोग रुके एक छोटे से ढाबे में, वहाँ पे मैंने अपनी पसंद का बिरयानी ऑर्डर की और हमने खाई। सो कैसा लगा आप लोगों को ये छोटा सा ब्लॉग, आई होप आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। साइड में एक बेल बटन है उसे भी क्लिक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।